गोरखपुर मंदिर में नागपंचमी पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल व्यक्ति को स्वस्थ रहने के माध्यम तो है ही, सरकार की खेल और खिलाड़ियों के हित में बनाई गई नीति से ये भविष्य संवारने का भी सशक्त माध्यम बन गया है। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकार यूपी पुलिस के साथ ही अन्य सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर नौकरी दे रही है। कानपुर के गोविंद नगर थाना पुलिस ने लिव इन रिलेशन में रह रही महिला को प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया और आरोपी को पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अब पुलिस जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। देखिए, दिनांक 20 जुलाई 2024 को थाना गोविंद नगर के गुजैनी क्षेत्र की कच्ची बस्ती में घटना हुई थी, जिसमें कि एक महिला को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया गया था एवं अगले दिन उसकी लखनऊ में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि वह महिला एक व्यक्ति जिसका कि नाम सुरेश है, उम्र 35 वर्ष और वो ओरिजिनली मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसके साथ वो लिव इन में रहती थी। किसी बात को लेकर इन दोनों का विवाद हुआ, जिसमें कि सुरेश ने उस महिला को हथौड़े से घायल कर दिया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। झांसी में ग्राम रोनी मऊरानी के सिद्ध तीर्थ क्षेत्र में नागपंचमी के मौके पर केदारेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर नाग देवता बैठे हुए दिखाई दिए, जिनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस दौरान लोग पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आए। कासगंज में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने लाइफ लाइन हॉस्पिटल को सील कर दिया। ये कार्यवाही जिलाधिकारी के आदेश पर की गई। उन्होंने नवजात की मौत की शिकायत पर जांच टीम गठित की थी। एसडीएम कुलदीप सिंह और एसीएमओ एसके सिंह की उपस्थिति में हॉस्पिटल की जांच के बाद इसे सील किया गया। हॉस्पिटल गंज डुडवारा क्षेत्र के सहावर रोड पर स्थित है। टीम ने अपनी रिपोर्ट दी तो पाया गया कि लाइफ लाइन हॉस्पिटल गंज द्वारा अवैध रूप से संचालित है, तो इसी के क्रम में आज इसको सील किया गया है। क्या क्या कमियां मिली थी इसमें? कमियां ये हैं कि जैसे यहाँ के जिस डॉक्टर के नाम पे रजिस्टर्ड है वो डॉक्टर यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है और जानकारी करने पर पता चला कि वो डॉक्टर दूसरे कन्नौज में देर रात बदमाशों ने शराब सेल्समैन पर हमला बोलकर 83,000 रुपए लूटने का मामला सामने आया है। थाना इंद्रगढ़ के बेलामऊ सरैया गांव के पास का पूरा मामला है। बदमाशों की पिटाई से घायल सेल्समैन को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हरदोई में 25,000 का इनामी शूटर लल्ला महावत पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। टडियारा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल महावत को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया। उसके पास से एक देशी तमंचा और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद हुई है। महावत ने अधिवक्ता कनिष्क मल्होत्रा की हत्या की थी और इसके बाद से फरार था। एसपी नीरज जदौन के निर्देशन में टीमें शूटर की तलाश कर रही थी, जबकि 2 शूटर अभी भी फरार हैं। इस हत्याकांड में अब तक सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 5 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पूर्व यहाँ के एक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कनिष्क मेहरोत्रा जी की हत्या की अज्ञात बदमाशों ने, उस केस का पुलिस ने पर्दाफाश किया था। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। जो मेन शूटर था लल्ला जो भी, जिसकी हम तलाश कर रहे थे, माननीय न्यायालय ने जिसके विरुद्ध MDW जारी किया रखा था और हरदोई पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था, उसकी तलाश में हमारी टीम लगी हुई थी। तो आज उसकी तलाश में चेकिंग चल रही थी, तो चेकिंग के दौरान ये व्यक्ति भागा, उसका हम लोगों ने पीछा किया। टंडियावा थाना पुलिस और कोतवाली सिटी पुलिस ने दोनों ने मिलकर पीछा किया, फिर मुठभेड़ हुई। आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग की तो उसके पैर में लगी है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। एक कंट्री मेड तमंचा बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं कि कहाँ से इसको मोटरसाइकिल मिली है। मेरी इनिशियल इससे पूछताछ हुई है तो उसने पूरी घटनाक्रम बताया है। कासगंज के सिड़पुरा थाना क्षेत्र के नगला मोड़ में गहरे गड्ढे में भरे बरसात के पानी में डूबकर एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चियां घायल हो गई। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने बच्चियों को पानी से बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरलली बकरे चुमा रही थी, यहाँ पर लेटरिंग करके सोचने गई थी तो उसमें पैर सरक गया और डूब गई गड्ढा में, 13 फुट गड्ढा है उसमें। जेसीबी तो हुआ है, फंस रही थी यहाँ टाटा बट्टे वाले रोड पे ऐसा। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल मिर्जापुर पहुंचे। ककोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान ककोरी कांड के वीर योद्धाओं को नमन करते हुए उन्हें याद किया। जनपद के भूतपूर्व सैनिकों और सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम मिर्जापुर के विकास भवन में आयोजित किया गया। आज ककोरी ट्रेन एक्शन महोत्सव
का 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हर उस कार्य को विनम्रतापूर्वक नमन करती है, याद करती है, जिसमें हमारे महापुरुषों ने देश को आज़ादी दिलाने में अपना जीवन बलिदान दिया है। आज इस अवसर पर मैं अपनी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से ऐसे महापुरुषों को नमन करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी। बदमाश ने 1 अगस्त को सराफा व्यापारी से लूटपाट की थी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोका, जिन्होंने जवाबी फायरिंग की। गिरफ्तार बदमाशों के पास एक पिस्टल, 2 कारतूस, 1 बोलेरो गाड़ी, 1 बाइक, 32,000 रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। ये कालपी कस्बे में इसी रोड पर पीछे 1 अगस्त को एक सराफा व्यवसायी है श्री विश्वनाथ गुप्ता, उनके साथ 50,000 रुपये, कुछ जेवरात, चांदी के सिक्के की लूट हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगी हुई थी, इसमें मुख्य रूप से SHO कालपी, SOATA और जालौन की जो क्राइम ब्रांच है वो काम कर रही थी। आज शाम में थाना कालपी के प्रभारी निरीक्षक को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जो 1 अगस्त की लूट की घटना किए थे वो अपराधी आज पुनः कोई घटना करने के फिराक में है। कानपुर पुलिस एक बार फिर विवादों में है। आरोप है कि पुलिस ने पीड़ित को ही कुछ ही मिनटों में आरोपी बना दिया और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ित युवक ने पुलिस के सामने सच्चाई पेश की, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी। अब तीसरी आंख यानी CCTV कैमरे ने इस मामले का सच उजागर कर कानपुर पुलिस की पोल खोल दी है। दिनांक 6/8/2024 को थाना काकादेव में 2 पक्षों के बीच में मारपीट की बात सामने आई थी। इस संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग पंजीकृत कराया गया है। CCTV के साथ और अन्य साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है, उस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। शाजापुर में ककोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर छावनी स्थित शहीद संग्रहालय में लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने इस कार्यक्रम में ककोरी ट्रेन एक्शन की गौरव गाथा को देखा। शो में अमर शहीदों ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की वीरता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित की गयी। महोबा में खन्ना थाना के हेड मोहर्रर बजेंद्र सिंह का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बजेंद्र सिंह मारपीट के आरोपियों के रुपए लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो ऑन ड्यूटी गुलाबी शर्ट पहने हुए हैं और थाने के पीछे रिश्वत लेते हुए उनका वीडियो कैमरे में कैद हो गया। DIG के 0 करप्शन निर्देश के बावजूद पुलिस में सख्ती का अभाव देखने को मिल रहा है। महोबा के कबरे थाना क्षेत्र के महेबा गांव में अवैध तमंचा चलाते किशोर घायल हो गया। नाबालिग द्वारा चलाए गए तमंचे की गोली लगने से किशोर को हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना के समय तमंचा एक झोपड़ी में रखा था और आरोपी व्यक्ति फरार हो गया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लगभग 400 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ितों की त्वरित मदद की जाए और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तुरंत पहुंचाया जाए। CM ने किसी भी विलंब या लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। नागपंचमी पर हनुमान मंदिर चिलबला तालाब पर परंपरागत मेला लगा। मेले में झूले, जलेबी, गुब्बारे और खिलौनों की सैकड़ों दुकानें थी और बच्चे, बूढ़ों और महिलाओं की भीड़ उमड़ी। मंदिर की भव्य सजावट की गई और पूजा अर्चना की गई। दोपहर में लंबी कूद, कबड्डी और कुश्ती जैसे खेलों का आयोजन हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की स्वास्थ्य जाँच की और दवाएं वितरित की। सुरक्षा के लिए पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारी पूरे यंत्रों और गाड़ियों के साथ तैनात रहे। बिजनौर के नगीना देहात में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। भागते समय पुलिस की गोली से बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। बदमाश लूट के मामले में वांछित था और उसके पास से 1 तमंचा बरामद किया गया। ये मुठभेड़ टांडा माईदास में नहर पुलिया के पास हुई। बिजनौर में गंज हल्दोर रोड के चंदनपुरा के पास साइकिल से स्कूल जा रहे क्लास 7 के छात्रा को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। बिजनौर के नजीमाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम सरवनपुर के पास गंगा नहर में बाइक सवार 2 कांवड़िया डूब गए। दोनों कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर बरेली लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। पानी ज्यादा होने की वजह से उनका सुराग नहीं मिल पा रहा है। पुलिस टीमों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया।